नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके अपने इस YouTube चैनल आईडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि जो NVS का रिजल्ट है वो आ चुका है, आप लोग जान चुके होंगे। मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो वीडियो हम लेके आए हैं वो हम इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स ये आ रहा है कि सर ये जो हमें रिजल्ट देखना है वो किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी भी राज्य का आप देख सकते हैं, किसी भी जिले का देख सकते हैं, बस एक प्रोसेस है वो आपको दिखा रहा हूं मैं इस वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, आ जाइए बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से देखना है अपना रिजल्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे NVS। ठीक है, NVS। अब आपको ये देखना है कि आप पहले सबसे पहले ये पता करना चलेगा कि आप किस स्टेट से हैं। ठीक है, NVS लिखने के बाद आपको अपने स्टेट मतलब राज्य और उसका कैपिटल मतलब राजधानी, आपको अपने राज्य की राजधानी का नाम NVS के बाद लिखना है। जैसे हम अभी यहाँ पे लिख के देख रहे हैं लखनऊ, NVS जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है। ऐसे ही मध्य प्रदेश से अगर आते हैं तो आप भोपाल डालेंगे, बिहार से आते हैं तो पटना डालेंगे, इस तरह से अगर पश्चिमी बंगाल से आते हैं तो कोलकाता डालेंगे। तो आपको अपने राज्य के राजधानी का नाम जैसे ही लिखेंगे, जैसे हमने कहा NVS LUCKNOW लखनऊ, और बस लिख के और एंटर मार देना है। इस तरह से NVS RO करके लिख के आ जाएगा आपके कैपिटल का नाम, जिस राज्य को आपने डाला है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पर लिखा हुआ है NVS RO लखनऊ। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है एक बार, और यहाँ पर आएंगे और कहेगा, ये कहेगा यहाँ पे एंटर वेबसाइट, और इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक विंडो और ओपन होगा, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर विंडो ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये ओपन हो जाएगा फिर आप इसमें क्या करेंगे, एक मैसेज आ रहा है ऊपर, उसको आप क्रॉस कर देंगे, बस उसको बंद कर देंगे। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुल रहा है अभी साइट, ये खुल गया, और ये इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साला दर्पण। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसको क्रॉस कर देंगे, सॉरी फॉर दैट, नेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे मतलब बंद करेंगे, फिर आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से क्रॉस करने के बाद साइट बंद हो जाएगा वो। बट अब आप जाएंगे किसमें, यहां पर आप देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस आए हैं अबाउट, मतलब आप इस NVS के बारे में क्या जानना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में NVS रिजल्ट स्टैटिक्स है, यहाँ पर रिजल्ट स्टैटिक्स का मतलब है, यहाँ पर कंपेयर करके दिखाएंगे। स्टैटिक्स मतलब आपको डेटा जो भी पिछली साल 2017-18 में आया हुआ है, कितने पास हुए थे, कितने सेलेक्ट हुए थे, वो दिखाएगा। इसमें एकेडमिक में जाएंगे तो आपको एकेडमिक में मिलेगा ये, इसके इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट स्ट्रेंथ वगैरह। इसके बाद आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट आएगा, और रिक्रूटमेंट में आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट रूल्स के बाद, लास्ट में आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिख रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट की साइट खुल के आ जाएगा। रिजल्ट यहाँ पर जो रिजल्ट इसने डिक्लेयर किए हैं उनकी PDF यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आई थिंक ऐसा हुआ है कि अभी ये साइट पर अपलोड नहीं हो पाया है, ठीक से यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जो प्रीवियस ईयर का है आप देख सकते हैं, इसी तरह से PDF डाउनलोड होगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पब्लिश हुआ था पिछली साल का है, अभी नया वाला इसका मतलब अभी अपडेट नहीं हुआ है। फाइल टाइप भी ले रहे हैं PDF में, और यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड के नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नंबर पे अब जो आएगा अगला अपना रिजल्ट नया, यहाँ एक नंबर आ रहा है, एक नंबर पे आ जाएगा 2019 वाला। ठीक है, 2018-19 ये अभी अपडेट नहीं हुआ है इसलिए अभी नहीं आ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये सारे के सारे पुराने भी रिजल्ट पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं इस पे, और इसी तरह से आपका नया रिजल्ट आएगा। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो मान लेते हैं हम NVS आपको MP का देखना है, तो आपने MP की राजधानी कहाँ है, कैपिटल भोपाल, तो आप भोपाल लिखेंगे और एंटर मार देंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो NVS भोपाल देखिए वो भी NVS RO करके आ रहा है, और इसी को क्लिक कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे खुल रहा है एंटर साइट, या फिर इस पर क्लिक करने को बोल रहा है, बस आप क्लिक कर देंगे इस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ की साइट पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ की साइट पर भी आप देख रहे होंगे कि फिर से वही ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि आप लखनऊ वाले में देख रहे थे। फिर से आपको क्या करना है कि आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे और रिजल्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। आपका हो सकता है नहीं अपडेट हुआ हो तो बाकी दूसरे स्टेट मतलब दूसरे राज्यों के रिजल्ट देख सकते हैं, अगर अपडेट हो रहे हैं तो आपको अभी जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिस स्टेट में आएगा उस स्टेट की जो कैपिटल है उसकी साइट पर आपको मिलेगा वो रिजल्ट। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर और भी कोई दिक्कत आए, अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा हम आपको इन्फॉर्म कर भी देंगे। बस आपको
कैसे देखना है, अगर आपको पता चल जाता है आप देखते रहिएगा, जैसे ही रिजल्ट अपलोड हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। आप इसी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।